हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मीनूज किचन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अंकुरित काले चनों को किस तरीके से मसाला चना बनाया जाए। इससे कई तरह की रेसिपीज बनाई जाती हैं। इससे मैं बना रही हूँ अंकुरित चनों से मसाला काले चने। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरे हर नए वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुँच पाएँ। तो फ्रेंड्स, इन चनों को हमने किस तरीके से अंकुरित किया है उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। इसमें लिंक भी दिया गया है, अच्छे से आप बता सकते हैं कितने हम लंबे अंकुरित इसमें चनों को कर सकते हैं। काले चने हमारे अच्छे से अंकुरित हो चुके हैं। अब इनको हम छोंकते हैं, प्रेशर कुकर में बनाएंगे इसको। इसमें हम एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसको धुआं उठने तक गर्म करेंगे और इसमें हम चुटकी भर नमक डालेंगे, जिससे कि इसकी गंध निकल जाए। इसको गर्म होने पे अब हम इसमें चुटकी भर हींग डालेंगे और एक चम्मच अच्छे से हम जीरा डालेंगे, तड़कने देंगे जीरे को, और इसमें हम काले चनों को जो हमने अंकुरित किए थे उसमें डाल देंगे। चनों को अच्छे से हम भूनेंगे कम से कम 3-4 मिनट के लिए, इससे चनों का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गैस का फ्लेम तेज करके इसको हम अच्छे से भूनेंगे, एक तरह से हम इसको रोस्ट कर रहे हैं। अब गैस का फ्लेम स्लो करेंगे बिल्कुल। चने हमारे अच्छे से भुन गए हैं, उसमें मसाले ऐड करते हैं। इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और थोड़ा सा हमने डाला है अमचूर पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लें अमचूर पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला 1/4 चम्मच, और 1 चम्मच हमने डाला है नमक। ये करीबन 250 ग्राम चने थे और इसमें अंकुर निकलने के बाद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हम सारे चने छोक रहे हैं, 250 ग्राम फूल कर डबल हो जाते हैं ये। इसको अच्छे से मिलाएंगे और इसमें हम छोटा एक ग्लास यानी 1 कप पानी हम इसमें डाल देंगे। अब गैस का फ्लेम तेज करके इसको हम 1-2 विसल आने देंगे इसमें तेज गैस पर। दो विसल आने के बाद हम गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे, पूरे 10 मिनट के लिए इसको कुकर में पकाएंगे। और अब गैस को अब हम ऑफ कर देते हैं और प्रेशर रहने तक उसको खोलेंगे। देखिए, सारा पानी अब्सॉर्ब कर लिया चनों ने। अगर थोड़ा बहुत पानी दिखता है तो आप इसको गैस को जलाकर, थोड़ा पानी दिख रहा है इसमें, हम गैस जलाते हैं इसको उघाड़ा ही, इसको ढकेंगे नहीं, बिना ढके ही हम इसको पका लेंगे, जिससे कि सारा पानी जल जाए और हमारे काले चने अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। चने हमारे बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। इसको बनने में 15 मिनट लगते हैं पूरे। बहुत अच्छे चने बनकर तैयार होते हैं हमारे मसाला चना काला अंकुरित वाले। ये फ़ायदा भी बहुत करते हैं। आप चाहें तो इसको काले चने, मैंने बताया था अपनी वीडियो में पहले भी, जो अंकुरित किए थे, आप इसको कच्चे भी खा सकते हैं। जो लोग कच्चे नहीं खा सकते वो इस तरीके से इसको बनाकर भी खा सकते हैं। इसके कई यूजेस हैं, मैं और नेक्स्ट वीडियो में इसके यूजेस बताऊंगी। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और नींबू डालें ऊपर से, मैंने डाला है इसमें और टेस्टी बनाने के लिए। और आप इसमें प्याज टमाटर डालकर भी इसको खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से काले चनों को बनाइए और अपने एक्सपीरियंस को मीनूज किचन में शेयर कीजिए। बताइए आपके काले चने अंकुरित किस तरीके से बने हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं। अगर इसमें कोई कमी लगती है या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।